मान्य सो मीनाक्षीताई पंढरीनाथ शेवाळे यांची खामखेडा ग्राम पंचायतीच्या उपसरपंच पदी बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन। शुभेच्छुक ग्राम पंचायत कार्यालय समस्त ग्रामस्थ खामखेडा तालुका देवळा। मालेगाव येथील पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या सुसंवाद हॉल येथे मालेगाव साधारणतः 1.25 वर्षापूर्वी अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून संदीप गुगे साहेब यांनी पदभार स्वीकारला होता। आज त्यांची बदली, भरतीवर त्यांची बदली, नवी मुंबई राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 11 येथे प्रमोशनवर त्यांची बदली झाली, त्यामुळे त्यांचा निरोप समारंभ व नव्यानेच नियुक्त झालेले मालेगाव अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून ते चंद्रकांत खाडवी सर यांचा स्वागत समारंभ असा कार्यक्रम त्या सुसंवाद हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आलेला होता। यावेळी संदीप घुगे साहेब यांनी निरोप समारंभाला उत्तर देताना सांगितलं की मालेगावहून जाताना मी खूप आठवणी व प्रेम घेऊन जात आहे, मालेगाववासियांचं मला खूप प्रेम मिळालं, खूप सहकार्य मिळालं, त्यामुळे आपण जेव्हाही बोलवाल मालेगाव येतो आम्ही नक्की, मला इथे यायला आवडेल, मला मालेगावचे नागरिक, माझे सर्व अधिकारी सहकारी यांनी मला चांगली साथ दिली, त्यांची मला सगळी चांगली मोलाची साथ मिळाली, मालेगावचे लोक खरोखरच खूप प्रेम आहेत, पोलिसांना चांगलं सहकार्य येथील लोक करतात, पोलिसांचं ते ऐकतात असे प्रशंसेने उद्गार देखील त्यांनी मालेगाववासियांसाठी काढले। नवीन अधिकाऱ्यांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या व मालेगावकरांचा जड अंतकरणाने त्यांनी निरोप घेतला। यावेळी शांतता कमिटीचे केवळ पहिरे प्रमोद शुक्ला, हरीश मारू, माधुराव जोशी, हिदायतुल्ला वकील, कुल जमातीचे अजरबाई, गुलाब पैलवान, रियाज अन्सारी, सोनोने, इफ्तेखार आदींनी आपले मनोगत व्यक्त केले। तसेच विविध सर्व सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, शांतता कमिटीचे सदस्य, पोलीस दलातर्फे दोन्ही अधिकाऱ्यांचा यावेळेला सन्मान करण्यात आला। नवनियुक्त श्री चंद्रकांत खाडवी साहेब म्हणाले, त्यांनी आपल्या आगमनाला उत्तर देताना म्हणाले की मी गोर गरिबांना न्याय मिळवण्यासाठी नक्की खूप प्रयत्न करेल, येथील गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी मी प्रयत्न करेल, चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करेल, येथील गुन्हेगारी नष्ट करून जनतेला न्याय कसा मिळेल असा मी नक्कीच प्रयत्न करू, माझं कर्तव्य मी नक्कीच चांगला पार पाडण्याचा प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले त्यांनी उपस्थितांना दिले। मलाही मालेगावकरांचं सहकार्य चांगलं मिळेल असा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला। या प्रसंगी शहरातील सर्व पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, शांतता कमिटी सदस्य, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। मी हे सांगू इच्छितो की ज्याप्रमाणे माननीय संदीप गुगे सरांनी या ठिकाणी काम केलेलं आहे, एक काम करण्याचा रस्ता तयार करून ठेवलेला आहे, तसंच काम करण्याचं निश्चितच मी या ठिकाणी प्रयत्न करेन। गोरगरिबांसाठी जेवढं जास्तीत जास्त काम करता येईल, समाजातील दुर्बल घटक, गोरगरीब घटक त्यांना आमच्या पद्धतीने जसं न्याय मिळवून देता येईल त्या पद्धतीने आम्ही नक्कीच काम करू। तसेच मालेगाव एक संवेदनशील शहर म्हणून गणलं जातं, यापूर्वीचा माझा अनुभव आहे, उदगीर मध्ये होतो मी, तिथे सुद्धा हिंदू मुस्लिम भाईचारा कसा साधता येईल, चांगल्या पद्धतीने समन्वय साधून आपल्याला सर्व कार्यक्रम उत्सव आणि आनंदाने कशा पद्धतीने सर्वांना सहभागी करून घेता येईल। मालेगाव शहराचे वृक्ष लेते समय एक बार फिर सुसंवाद हॉल में सभी शांतता समिति के सदस्य मालेगाव में मेरी जगह पे आए हुए नए अधिकारी श्री खाडवी साहब, मेरे सभी सहकारी ऋषिकेव मंगेश सेवन साहब, सभी पत्रकार बंधु, आज वैसे देखा जाए तो मेरा आखिरी यहाँ पे दिन है, मैंने पिछले हफ्ते ही चार दिया था और जैसे कि हम जानते हैं शहर ये हमेशा ही पुलिस दल, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा कॉपरेट करता आया है, आने वाले समय में भी खाडवी साहब को आपकी तरफ से बहुत ज्यादा कॉपरेशन मिलेगा। जिस तरीके से हमने अमन शांति रखने के लिए कोशिश की है, आने वाले समय में भी हम लोग पूरा इसी रास्ते पे चलेंगे। इस शहर ने पिछले 1.25 साल में बहुत ज्यादा मुझे बिजी भी रखा था, शायद ही टाइम मिला था फैमिली के लिए, पर मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में मैं
फैमिली के लिए भी टाइम दे पाऊंगा। मालेगांव एडिशनल एसपी को एडिशनल एसपी क्यों जाना चाहता है, यहाँ पे लोग एसपी के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो खंडवी साहब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पे आपको कांस्टेबल से लेके एसपी तक की सभी भूमिकाएं अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ की पर एक बात सबसे अच्छी है, लोग बहुत ज्यादा जिंदा दिल है, यहाँ लोगों में प्यार बहुत ज्यादा है। और जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट का सवाल है, तो पुलिस डिपार्टमेंट जो भी लोगों को ऐलान करता है, अपील करता है, उसके ऊपर यहाँ पे लोग चल पड़ते हैं। तो इसी कारण से पिछले 14 बरस से कोई बड़ी समस्या यहाँ पे निर्माण नहीं हुई है। 2006 में ब्लास्ट हुआ था, 8 में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद शहर में ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तैयार नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जो मेरे से भी पहले ऑफिसर काम करके गए, सभी ने यही कोशिश की है, आगे भी हम लोग यही कोशिश जारी रखेंगे। यहाँ पे सांसद समिति के सदस्य हो, हमन समिति के हैं, मोहल्ला कमेटी के हैं, सभी लोग बेशक वर्दी नहीं पहनते हैं, पर ये भी पॉलिसी है, इनमें भी वही जज्बा है, वही जुनून है, तो ये आगे भी जारी रखना जरूरी है। मैं खानवी साहब को बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ। और ये भी एक लगभग आपको ताज्जुब भी होगा कि हम लोग पहले भी साथ में काम कर चुके थे, और वहां पे भी यही होता था कि खानवी साहब का चार्ज मेरे पास आता था, मेरा चार्ज खानवी साहब के पास आता था। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, मेरा चार्ज मैं खानवी साहब को देके जा रहा हूँ, हमारा मिलना जुलना चलता रहेगा। आप जब भी बुलाएंगे मैं माने को आता रहूंगा। इंडियन ट्रेंड्स कंप्लीट फैमिली फुटवेयर गगनगिरी कॉम्प्लेक्स एकात्मता चौक कैंप रोड मालेगाव। याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधगुरु चॅनल सबस्क्राइब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त शेअर करा।